This is an study. Welcome to all of you. Difference between carpet area and plinth area. Buildings में किसी भी building structure में different types के area होते हैं, जैसे कि carpet area, plinth area, built up area, super built up area. आज हम लोग carpet area और plinth area के बारे में discuss करेंगे. तो carpet area क्या होता है? Carpet area का definition होता है, net usable area within the external walls of a building is called as a carpet area. किसी भी building में net usable area को कारपेट एरिया कहते हैं. अब कारपेट एरिया इंक्लूड्स इंटरनल पार्टीशन वॉल्स. अब एक ने रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में ये इस रेरा के हिसाब से पहले इंटरनल पार्टीशन जो है वो कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन इस रेरा एक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू रेरा एक्ट इंटरनल पार्टीशन अगर किसी फ्लैट का या किसी हाउस का इंटरनल पार्टीशन जो होगा वो भी कारपेट एरिया में इंक्लूडेड होगा. तो यहाँ पे जो आइटम्स इंक्लूड होंगे उसे मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ. इंक्लूड इंटरनल पार्टीशन वॉल्स, ऑल रूम्स, जितने भी तरह के रूम्स हैं उसमें स्टडी रूम्स और लिविंग रूम्स, किचन्स, टॉयलेट्स, बाथरूम्स, कपबोर्ड स्पेस, कपबोर्ड के जो स्पेसेस होते हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे. स्टेयर केसेस विद इन द प्रॉपर्टी यूनिट, स्टेयर केस प्रॉपर्टी यूनिट के अंदर जो स्टेयर केस है, कॉमन स्टेयर केस इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल हाउस है और उसके अंदर कोई स्टेयर केस है बिल्डिंग के अंदर, तो उसे इसके अंदर इंक्लूड करना होगा. उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सक्लूड की जाती हैं कारपेट एरिया में. उसमें एक्सटर्नल वॉल्स, एक्सटर्नल वॉल जो है वो कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता. आउटसाइड का जो वॉल होता है वो कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होता है. उसी के साथ साथ सर्विस शाफ्ट, बिल्डिंग्स के अंदर कहीं कहीं सर्विस शाफ्ट होते हैं वेंटिलेशन के लिए, या वो जो सीएनटी के पाइप्स होते हैं, प्लम्बिंग के पाइप्स, उनके ट्रांसफर उनको ले जाने के लिए, उनके एग्जिट के लिए, एंट्री के लिए, तो उस तरह का जो शाफ्ट होता है वो भी कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड नहीं होता. यूटिलिटी एरियाज, कुछ यूटिलिटीज एरियाज होता है जैसे कि जहाँ इलेक्ट्रिक वगैरह से रिलेटेड जो काम ये होता है, इलेक्ट्रिक बॉक्सेस होते हैं, उसका कोई एक छोटा सा पैनल रूम वगैरह होता है, वो भी एक्सक्लूड किया जाता है. बालकोनी एज पर रेरा. अब बालकोनी को अब इस कारपेट एरिया से एक्सक्लूड कर दिया गया. पहले इस रेरा के रेगुलेशन के एक्ट के पहले बालकोनी कारपेट एरिया के अंदर इंक्लूड किया जाता था, और पार्टीशन वॉल को एक्सक्लूड किया, पार्टीशन वॉल को ऑलरेडी एक्सक्लूड किया जाता था और बालकोनी को इंक्लूड किया जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं है, बालकोनी एज पर रेरा एक्सक्लूड कर दिया गया है, ये कारपेट एरिया के अंदर नहीं है. ओपन टेरेस भी कारपेट एरिया के अंदर नहीं है. कॉमन लिफ्ट, लिफ्ट लॉबी, कॉमन स्टेयर केस, वरेंडा, फ्लावर बेड, क्लब हाउस, ये सब सारी चीज़ों को कारपेट एरिया से एक्सक्लूड कर दिया गया है. अब जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, अब इस डायग्राम में ये किसी एक बिल्डिंग का डायग्राम है. इस डायग्राम में अगर कारपेट एरिया को कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, ये जो एक्सटर्नल वॉल है उसके अंदर का मेजरमेंट किया जाएगा, लेंथ के लिए उसके अंदर का मेजरमेंट किया जाएगा. इनसाइड टू इनसाइड कारपेट एरिया के लिए मेजरमेंट किया जाएगा. उसी तरह से विड्थ का मेजरमेंट क्या होगा, वो इंटरनल टू इंटरनल विड्थ का मेजरमेंट होगा. और इसमें बालकोनी इंक्लूड नहीं किया जाएगा. ये बालकोनी है, अगर हम कैलकुलेट किया जाएगा कारपेट एरिया, तो बालकोनी इंक्लूड नहीं होगा. और शाफ्ट, अगर शाफ्ट भी इंक्लूड नहीं होगा. डिफरेंस बिटवीन कारपेट एरिया एंड प्लिंथ एरिया अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है. कारपेट एरिया के बारे में उसका डिफिनेशन, और उसके बाद फिर क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, कौन सा बिल्डिंग का पार्ट इंक्लूडेड नहीं है. अब ये प्लिंथ एरिया है. प्लिंथ एरिया का सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं क्या है. इंटायर एरिया कवर्ड इनक्लोज बाय द बिल्डिंग अपार्टमेंट इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया. सिंपली इसका जो डिफिनेशन है वो ये है कि इंटायर एरिया कवर्ड और इनक्लोज बाय द बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के जरिए जितना भी एरिया कवर्ड किया जाता है या इनक्लोज किया जाता है किसी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, उसे क्या कहते हैं, प्लिंथ एरिया कहते हैं. द लेंथ एंड ब्रेथ विल बी, अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब इसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना होगा, द लेंथ एंड ब्रेथ विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम आउटर एज ऑफ एक्सटर्नल वॉल टू द आउटर एज ऑफ एक्सटर्नल वॉल. अब जब इसका मेजरमेंट करेंगे तो वो एक्सटर्नल वॉल के आउटर एज से आउटर एज तक करेंगे. लेंथ को भी इसी तरह से करेंगे, ब्रेथ को भी इसी तरह से करेंगे. कारपेट एरिया में हम लोग इंटरनल एज से करते थे, एक्सटर्नल वॉल के इंटरनल एज से, लेकिन प्लिंथ एरिया में एक्सटर्नल वॉल के एक्सटर्नल बाहर वाले एज से और दूसरी तरफ के भी एक्सटर्नल वॉल के बाहर वाले एज से उसको मेजरमेंट करेंगे. प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ एरिया कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल. प्लिंथ एरिया को अब इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, कारपेट एरिया प्लस एक्सटर्नल वॉल प्लिंथ एरिया होता है. अब अप्रोक्सीमेटली प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग इज 10 to 20% मोर देन द सेम बिल्डिंग कारपेट एरिया.
अब जनरली अप्रोक्सीमेटली प्लिंथ एरिया जो होता है वो कारपेट एरिया से 10 से 20% ज़्यादा होता है, इसलिए कि वहाँ पे एक्सटर्नल वॉल्स को ऐड कर लिया जाता है और भी कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, तो और जिसका जिसकी क्वांटिटी 10 to 20% के बीच में वैरी करता है जनरली। अब इसमें भी कुछ आइटम्स हैं जो कि इंक्लूड किए जाते हैं, कुछ आइटम्स नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो आइटम इंक्लूड किए जाते हैं, आइटम्स इंक्लूड टोटल कारपेट एरिया इंक्लूडिंग पार्टीशन वॉल। अब टोटल कारपेट एरिया इसमें इंक्लूड करते हैं, इसमें प्लिंथ वॉल में प्लिंथ एरिया के लिए क्या 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 जोड़ा जाएगा इसमें, टोटल कारपेट एरिया, लेकिन वो कारपेट एरिया पार्टीशन वॉल उसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए रेरा के न्यू डेफिनेशन के हिसाब से। एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, कारपेट एरिया में क्या जोड़ देंगे, एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग वो भी जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद स्टेयरकेस एरिया, अगर स्टेयरकेस कोई है वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। पोर्च विथ कॉलम, ये पॉइंट बहुत समझने वाला पॉइंट है, पोर्च विथ कॉलम, अगर बालकोनी टाइप का कोई पोर्च है, कैंटिलीवर टाइप का पोर्च है, तो उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कॉलम के साथ है, ऑलरेडी लोड बियरिंग टाइप का अगर कोई पोर्च है, उसमें कॉलम है, पिलर्स हैं, विदाउट कैंटिलीवर है, तो उसे इसमें इंक्लूड किया जाएगा। पोर्च विथ कॉलम विल बी इंक्लूडेड। आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, कौन से आइटम नहीं इंक्लूड किए जाएंगे, बालकोनीज, कैंटिलीवर को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, प्लिंथ एरिया के में निकालने के लिए बालकोनीज जो होंगे उसे नहीं इंक्लूड किया जाएगा। एक्सटर्नल वॉल एलिवेशन डिजाइन, अब जो कोई बिल्डिंग होती है उसमें एक्सटर्नल वॉल के साथ कुछ डिजाइन होता है, कुछ कर्वेचर होता है, कुछ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स होते हैं, उन सब सारी चीज़ों को जो वॉल के साथ अटैच होते हैं उसे भी नहीं इंक्लूड किया जाएगा प्लिंथ एरिया के लिए। तो ये प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है। अब इसमें प्लिंथ एरिया, अगर कारपेट एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, इंटरनल वॉल से इंटरनल वॉल तक कारपेट एरिया लेंथ क्या होगा, इंटरनल, यहाँ पे एक्सटर्नल वॉल का लेंथ यहाँ पे कितना है 20 मीटर, ये यहाँ मेंशन किया हुआ 20 मीटर। इंटरनल वॉल के ये इसके लिए कारपेट एरिया के क्या लेंथ होगा, इस कारपेट एरिया के लिए जो लेंथ होगा ये 20 मीटर में, 20 मीटर में क्या घटा देंगे, इधर के वाल की थिकनेस घटा देंगे और इधर दोनों तरफ के वाल की थिकनेस को घटा दिया जाएगा। ये -0.25 मीटर है एक तरफ का वाल, और ये भी -0.25 मीटर है, तो ये 20 मीटर -0.5 मीटर हो गया। तो 20 मीटर में से 0.5 मीटर जब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19.5 मीटर लेंथ, ये लेंथ क्या हो गया 19.5 मीटर। कारपेट एरिया का जब कैलकुलेशन करेंगे तो लेंथ क्या कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, 19.5 मीटर। इसी तरह से ब्रेथ, अब ये ब्रेथ यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ 15 मीटर, एक अजम्पशन है 15 मीटर आउटर एज टू आउटर एज ऑफ द एक्सटर्नल वॉल कितना है 15 मीटर। अब ये कारपेट एरिया के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो ब्रेथ क्या होगा, ये 15 मीटर में से क्या घटाएंगे, ये एक्सटर्नल वॉल की जो थिकनेस है ये घटा देंगे, तो एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस ऑलरेडी 0.25 है, 0.25, और दूसरे तरफ का भी 0.25 है, ये दोनों 15 माइनस 0.5 हो गया, और 15 में से 0.5 जब घटाएंगे तो 14.5 मीटर हो गया, 14.5 मीटर विथ हो गया। कारपेट एरिया, कारपेट एरिया कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। कारपेट एरिया इज इक्वल टू ये लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कौन सा कंसीडर करना है, लेंथ कंसीडर करना है 19.5 मीटर, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो 19.5 मीटर, और इसका ब्रेथ जो है वो 14.5 मीटर है, 14.5 मीटर, दोनों की यूनिट मीटर है, 19.5 मीटर 14.5 मीटर, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 282.75 मीटर स्क्वायर। अब ये पूरा इंटरनल एरिया 282.75 मीटर स्क्वायर, लेकिन इसमें एक चीज डिडक्ट होगी, यहाँ पे शाफ्ट है, इस शाफ्ट को यहाँ पे डिडक्ट करना है, ये शाफ्ट नहीं इंक्लूड किया जाएगा कारपेट एरिया के अंदर। शाफ्ट का साइज यहाँ 1 मीटर बाय 1 मीटर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो डिडक्शन यहाँ क्या लिखेंगे, डिडक्शन इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तो नेट कारपेट एरिया यहां पर, नेट कारपेट एरिया कितना हो गया, 282.75 - 1 = 281.75 मीटर स्क्वायर, ये नेट कारपेट एरिया हो गया इस पर्टिकुलर केस में। इसमें क्या हम लोगों ने एक्सक्लूड किया, शाफ्ट को इसमें एक्सक्लूड कर दिया है। अब उसके बाद प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया का कैलकुलेशन करने के लिए ये भी लेंथ, प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन प्लिंथ एरिया में लेंथ जो कंसीडर करना है ये आउटसाइड ऑफ द वॉल टू द आउटसाइड ऑफ द वॉल क्या होगा, लेंथ 20 मीटर, यहाँ पे लेंथ की जगह क्या लिखेंगे 20 मीटर भी लिख देते हैं, और ब्रेथ यहाँ पे 15 मीटर लिखा हुआ है, आउटसाइड वॉल टू आउटसाइड वॉल 15 मीटर,
इसे 15 मीटर यहाँ पे लिख देते हैं मेरठ की जगह पे। ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 20 मीटर 15 मीटर 300 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 300 मीटर स्क्वायर, अब यहाँ क्या है, बालकोनी से, बालकोनी ऑलरेडी बाहर है तो बालकोनी को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बालकोनी नहीं कंसिडर करना है, इसलिए कंटिलीवर टाइप का बालकोनी है। उसके बाद शाफ्ट, शाफ्ट विल बी इंक्लूडेड, बालकोनी विल नॉट बी इंक्लूडेड, शाफ्ट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट लाइज इन साइड द बिल्डिंग। तो शाफ्ट को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है, ये जो एक आउटसाइड टू आउटसाइड हम लोगों ने कंसिडर किया तो शाफ्ट इसके अंदर आ गया। तो यहाँ पे 300 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। अब यहाँ क्या है, शाफ्ट विल बी इंक्लूडेड एंड बालकोनी विल नॉट बी इंक्लूडेड। नोट में यहाँ लिख देते हैं, इस पर्टिकुलर केस में बालकोनी विल नॉट इंक्लूड, बालकोनी हम लोगों ने इंक्लूड किया, बालकोनी विल बी नॉट इंक्लूडेड। शाफ्ट, शाफ्ट इंक्लूडेड। तो एक केस हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया। सबसे पहले तो प्लिंथ एरिया और कारपेट एरिया का क्या डिफरेंस होता है, क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, क्या नहीं इंक्लूड होती हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद एक केस में किसी हाउस प्लान का को कंसीडर करके एक पर्टिकुलर केस के हिसाब से जो सामने एक ड्राइंग है, कारपेट एरिया और प्लिंथ एरिया ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया जिसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव हो गई। तो अब कारपेट एरिया प्लिंथ एरिया के बारे में पूरा अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू। America, America.